तो ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी तुम्हें जीनी नहीं पड़ती। अब भी सोच लो, वादा करता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आती है तेरी सादगी पर। ठीक कहा तूने, अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाति नहीं। आज देखोगे, गौर से देखो मेरे जवानों की आंखों में, भूखे हैं सब, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कीड़ भी शेर को। कीड़ तो तुम हो हिंदुस्तानी, तुम जो बेबस कश्मीरियों पर जुर्म उठाते हो, अमन का चोगा पहनकर अपनी बुजदिली छिपाते रहते हो। बुजदिल तुम हो, कीड़ तुम हो। जब इस 30 आदमी मिलकर एक बेबस आदमी पर अत्याचार करते हो, अरे हिम्मत तो खोलो, खोलो, खोलो इसे। हाँ, कभी तो आमने सामने की लड़ाई किया करो। आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हो तुम? हम भी यही चाहते हैं। तो फिर हो जाए हमारे पर। अरे वो तो हुकूमत ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना फैसला कब का हो चुका होता। दिल्ली में बैठे होते हम तुम्हारे सर में। रही बात आमने सामने की लड़ाई की, वो मौका भी मैं दूंगा तुझे, ताकि हमें भी पता चले कि एक हिंदुस्तानी मां के दूध में कितना दम होता है। मां के दूध में तो दम होता ही है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। दम नहीं होता तो तेरी जैसी औलाद में, जो अपने मां के दूध के साथ साथ अपने बाप के खून को भी पानी कर देती है। ये लो, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, हो जाए हमने सामने का मुकाबला। एक पाकिस्तानी अफसर का ये वादा है, अगर तू जीत गया तो तेरे तमाम साथियों के साथ तुझे मैं आजाद कर दूंगा, और अगर तू हार गया तो हिंदुस्तान के खिलाफ तुझे हमारा साथ देना होगा। सुबेदार साहब, खोल दो इसकी जंजीरें। और हाँ, हम इंसाफ परस्त हैं। अगर तुझे लगता है कि तू कमजोर है और इस वक्त लड़ नहीं सकता, तो कुछ दिन आराम कर ले, खा ले, पी ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस मौके से चूक जाए और ये वक्त तुझे और तेरे साथियों को ले डूबे। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया। हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं, सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें तेरी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। Thank you.
जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ जनाब, पूरी यूनिट का सर शर्म से झुक गया है, क्योंकि जो वायदा आपने किया वो सिर्फ आपका वायदा नहीं था, एक पाकिस्तानी फौज के अफसर का वायदा था जिसे पूरा होना ही चाहिए था। तो क्या करता मैं? गैर कानूनी काम करता, छोड़ देता उसे, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता मैं। कानून की परवाह कर ही कौन रहा है आज? वतन के साथ गद्दारी एक आम बात हो गई है। ये वर्दी आवाम का भरोसा है हम पर। ये हमें इसलिए नहीं मिलती कि फौजियों को दहशत गर्दियों का लिबास पहनाकर उनसे कारगिल कराएं और फिर भूखी खाकर आवाम को शर्मिंदगी का एहसास कराएं। ये सवाल तुम्हें हुकूमत से करना चाहिए जिसने हम सबको नामर्द बना दिया। अरे पूरी ताकत के साथ लड़ भी नहीं सकते हम, ठीक तरह अपना सामना भी नहीं होता कभी। हुआ तो था भी, मगर क्या हुआ?